नमस्कार, आप देख रहे हैं यस टीवी और ये समय है यमुनानगर के कुछ कम्युनिटी अपडेट्स का। सदर जगाधरी के गांव मखौर के पास सिक्योरिटी गार्ड से मारपीट कर तीन बदमाशों ने उसकी बाइक को लूट ली। वारदात रात की है। वारदात के समय सिक्योरिटी गार्ड ड्यूटी से अपने घर जा रहा था। पुलिस ने उसकी शिकायत पर अज्ञात लोगों से लूट का केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। खेड़ा फॉर्म के पास 16 बीघा 2 बिस्वा जमीन का सौदा कर कुरुक्षेत्र के दो लोगों से एडवांस 57,50,000 रुपए लेकर हड़प लिए। ब्याने की राशि लेकर आरोपियों ने उसकी रजिस्ट्री नहीं कराई। आरोप है कि खेड़ा फॉर्म के दो भाइयों पर लगा है। आरोप है कि एक साल बीतने पर भी आरोपियों ने जमीन की रजिस्ट्री नहीं करवाई। जब उन्हें जांच की तो पता चला कि इस जमीन पर आरोपियों ने उनसे सौदा किया है, उस पर कोर्ट का स्टे लगा हुआ है। पुलिस ने खेड़ा गांव के दो लोगों पर धोखाधड़ी का केस दर्ज कर लिया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने रक्षाबंधन पर छात्राओं को बड़ी सौगात दी है। उन्होंने प्रताप नगर में गर्ल्स कॉलेज का शिलान्यास पंचकुला से ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया। उन्होंने कहा कि पिछले 5.5 वर्षों से 86 नए कॉलेज और अब 11 नए राजकीय कॉलेज खोले गए हैं और इस प्रकार उन्होंने शासनकाल में प्रदेश के 97 नए कॉलेज खोले गए हैं। प्रदेश के विद्यार्थियों को 15 किलोमीटर के दायरे में उच्च शिक्षा ग्रहण करने की सुविधाएं प्रहासिल होंगी। कोरोना महामारी के चलते सूबे के निजी व एडिट कॉलेज की फीस में किसी प्रकार की बढ़ोतरी नहीं कर सकेंगे। उच्चतर शिक्षा विभाग के इस निर्णय से कॉलेज में पढ़ रहे लाखों विद्यार्थियों ने राहत की सांस ली है। कई कॉलेज विभाग द्वारा जारी आदेश का पालन नहीं करेगा तो उनके खिलाफ नियम अनुसार कार्रवाई की जाएगी। नए सत्र में दाखिले के समय हर साल सूबे के अधिकांश निजी व एडिट कॉलेज विभिन्न कोर्सेज में फीस बढ़ा देते हैं। ये 2 से 20% तक होती है। इस वजह से अभिभावकों की जेब पर असर पड़ता है, लेकिन इस साल ऐसा नहीं होगा। उच्चतर शिक्षा विभाग के डायरेक्टर अजीत वाला जोशी ने सभी कॉलेज को आदेश दिए हैं कि वह किसी भी फीस में बढ़ोतरी नहीं करेंगे। यमुना नहर को प्रदूषित होने से बचाने के लिए सिंचाई विभाग की ओर से 3 विभागों के अधिकारियों को नोटिस भेजा गया था। नोटिस मिलने के 15 दिन के बाद ही संबंधित विभाग हरकत में आया और ना ही कोई सिंचाई विभाग की ओर से कोई कार्रवाई हुई। अधिकारी कार्रवाई करने से बच रहे हैं। नहर में गिर रहे नालों का केमिकल युक्त पानी यमुना को प्रदूषित कर रहा है, जिससे 17 जुलाई को सिंचाई विभाग की ओर से 3 विभागों को नोटिस जारी किया गया था। साथ ही नालों को जल्द बंद न करवाने पर FIR दर्ज करने की बात भी लिखित में कही गई। ये थे अब तक के यमुनानगर के कुछ कम्युनिटी अपडेट्स। इसी तरह के कम्युनिटी अपडेट्स देखने के लिए देखते रहिए यस टीवी। नमस्कार।